राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आजकल यातायात अधिक होने के कारण ज्यादातर मुख्य मार्गों पर अक्सर जाम एवं प्रदूषण की एक प्रमुख समस्या स्थिति बनी रहती है। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने व गंतव्य स्थान पर शीघ्र व सुरक्षित पहुंचने हेतु उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8,346 करोड़ रुपए लागत से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 82 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 60 किलोमीटर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 22 किलोमीटर है। इस परियोजना के प्रथम व तृतीय चरण पहले ही पूर्ण करते हुए जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण एवं चतुर्थ चरण का कार्य पूरा होने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस परियोजना में चिपियाना पर एक ROB है, जिसमें तकनीकी कारणों के कारण चौड़ीकरण का कार्य अभी शेष है। इस शेष कार्य को इस वर्ष के अंत तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के निर्माण में कुल 24 छोटे व बड़े पुल, 10 फ्लाईओवर, 3 रेलवे पुल, 95 अंडरपास, 15 भूमिगत पैदल पारपथ एवं 12 ऊपरगामी पैदल पारपथ शामिल है। यह मार्ग शहरी क्षेत्र में होने के कारण रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है व 4,500 से अधिक लाइटों के माध्यम से मार्ग को जगमग किया गया है। मार्ग में सुरक्षा की दृष्टि बनाए जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके तथा जनता को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा सके। साइकिल यातायात व पैदल चलने वालों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखते हुए प्रथम एवं द्वितीय खंड में 2.5 मीटर साइकिल कॉरिडोर तथा 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। यातायात को निर्बाध बनाने के लिए ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की तकनीकी प्रथम बार इस परियोजना में लागू की गई है, जिसके माध्यम से मार्ग पर बिना रुके ही टोल शुल्क का संचालन हो सकेगा एवं यात्रियों का शुल्क प्लाजा पर कीमती समय, ईंधन व जाम की स्थिति में भारी कमी आएगी। दिल्ली से मेरठ जाने वालों के लिए सराय काले खां, अक्षरधाम टेम्पल, इंदिरापुरम, डुंडहेरा, दासना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, भोजपुर, मेरठ स्थानों पर प्रवेश द्वार हैं एवं मेरठ से दिल्ली आने वालों के लिए भोजपुर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दासना, डुंडहेरा, नोएडा, सराय काले खां स्थानों पर निकाश द्वार दिए गए हैं, जिससे कि एक्सप्रेसवे पर यातायात का संचालन सुगमता से हो सके। इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात अब क्षेत्र का संपूर्ण विकास द्रुत गति से होगा एवं इस क्षेत्र में प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। साथ ही यातायात पर अनायास खर्च होने वाले ईंधन पर भारी बचत होगी, जो देश हित में होगा।